नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। जालौन के कोंच कोतवाली के अंतर्गत नगर मोहल्ला सुभाष नगर निवासी आदर्श कुमार उम्र 13 साल मंगलवार को वे सुबह के समय अपने घर से स्कूल के लिए निकला, लेकिन वो सरस्वती विद्या मंदिर चल रही परीक्षा में नहीं पहुंचा। वहीं परिजन परेशान होकर इमरान खान कोतवाली प्रभारी के पास पहुंचे शिकायत लेकर। वहीं इमरान खान ने तत्परता दिखाते हुए फोटो की शनाख्त करने के लिए स्टेशन पर अपनी टीम को भेजा, जो कि वहाँ पुलिस ने पूछताछ के दौरान एक युवक के साथ उसकी फ़ोटो मैच हो गई, जो कि वो व्यक्ति वहाँ से मिल गया। पूछताछ के बाद युवक ने बताया कि मेरा संस्कृत का पेपर था, इस वजह से आज मैं परेशान था और रेलवे स्टेशन पर आ गया। आप सुबह किस टाइम पे निकले हैं घर से? 7:40 पर। काहे के लिए? ट्यूशन पढ़ने के लिए। फिर इसके बाद आप कहाँ चले गए? अड्डा में बैठ कर ये क्यों चले गए? एग्जाम था, एग्जाम ना देने के लिए। एग्ज़ाम आपको क्या आता नहीं है क्या? पढ़ाई आती नहीं है क्या? जी आती है, संस्कृत, मतलब संस्कृत पढ़ना नहीं आता, सीखना नहीं आता। कमज़ोर है आप संस्कृत में? अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कौन। कितने पढ़ते हैं आप? 7th में। फिर आप 8 पहुँचे तो किस साधन से गए थे यहाँ से? यहाँ से गए थे अड्डा से। अड्डा से तो वहाँ पर आपको कौन मिला 8 में? वहाँ पर पुलिस प्रशासन मामा के साथ थी। अच्छा, आपको पुलिस के साथ में आया और मामा जी के लड़के के साथ में आया कौन? हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं। अब माँ बाप के साथ आराम से घर रहोगे? हाँ। पढ़ाई भी करोगे? हाँ। ठीक। सुबह बच्चा जो ट्यूशन पे गया था वहाँ से पता ट्यूशन पे नहीं पहुँचा। अच्छा, पता चला। अच्छा, बच्चे का क्या नाम है? आदर्श कुमार। फिर ये मिले कहाँ? 8 स्टेशन पे। अच्छा अच्छा, किसको मिले ये? वो विवेक को, विवेक ठाकुर और अंकित पटेल। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने अपना यहाँ काम कर रही थी, फ्यूज वगैरह मैं देख रही थी, यहाँ पंजाब नेशनल बैंक में थोड़े फ्यूज में दिख रही थी, वहाँ आगे चल के देखना चाहती थी, वहाँ कैमरा मिला नहीं। पुलिस ने मदद की आपकी? मदद की पुलिस ने। पत्नी की मृत्यु क्लेम की राशि 44 लाख रुपए जो लाइफ बीमा पॉलिसी के रुपए एजेंट वे बैंक कर्मियों ने मिलकर किया गबन। सेडवा गांव उपखंड बोरला जाटान गांव की घटना है। मृतक गर्वी देवी के नाम 44 लाख रुपए का जीवन बीमा की राशि आई और एजेंट छोगाराम अध्यापक वे उनके भाई ने बैंक वालों से साठ गांठ करके गबन किया। पीड़ित ने सेडवा थाने में जाकर मुकदमा दर्ज करवाया, वहीं कार्रवाई नहीं की अभी तक। वैभव श्रीवास्तव द्वारा बिलासपुर में चल रहे निर्माणधीन विकास कार्यों का अचूक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा बिलसंडा रोड पर निर्माणधीन पुलिया, नगर पालिका बिलासपुर द्वारा स्टेशन रोड पर निर्माणधीन डिवाइडर तथा रामलीला रोड पर डूडा विभाग द्वारा बनाया जा रहा नाला व मोहल्ले में डूबा निर्माणधीन बरेली बिलासपुर रोड पर नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे नाले का मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। खबरों में बात करते हैं उत्तराखंड के सितारगंज की, जहां पर गौवंश संरक्षण रिक्वायर टीम व स्थानीय पुलिस ने मुखबिर की खास सूचना पर सुबह ही नगर के नजदीक ग्राम भगोरई में छापे मार कर प्रतिबंध मांस सहित एक तस्कर को पकड़ा है। चार मौके से फरार हो गए, वहीं साथ ही 150 किलो गौवंश, एक जिंदा गाय और छुरी 1 लाख और साथ ही 150 किलो गौमांस, एक जिंदा गाय और छुरी 1 खाल तराजू भी बरामद हुई है, जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त को मे माल के कोतवाली लाकर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। कोतवाल ने बताया कि गौकशी करने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, एक भगोरी गांव की गौकशी की शिकायतें मिल रही थी, उसमें टीमें लगी हुई थी और मुखबिर की सूचना पर गौ स्क्वाड संरक्षण वाले जो स्क्वाड है उसमें SI श्री अम्मी राम आ रहा और हमारे थाने से टीम गई थी SI श्री सुरेंद्र कुमार के निरीक्षण में। दोनों टीमों ने जाकर सुबह जाकर वो तस्करों को गोकशी करते हुए एक को मौके पे पकड़ लिया था, नसीम उर्फ लल्ला, और 3 उसमें मौके से भाग गए हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा पेश कर लिया गया है और नसीम को यहाँ गिरफ्तार कर मुकदमा पेश कर जेल भेजा जा रहा है। इससे पूर्व भी गो तस्करी के मामले आए, उनमें भी सख्त कार्रवाई की गई और आगे भी अभियान जारी रहेगा। भीलवाड़ा अजमेर रेलवे मार्ग पर आज दुल्ला खेड़ी के बीच 2 दिन से लापता वार्ड पंच प्रत्याशी की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी है, जिस पर पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू की है। SI कांत सिंह राठौड़ ने बताया कि अर्जिया दुल्ला खेड़ी के बीच रेलवे ट्रैक के निकट बीती रात देवगढ़ थाना क्षेत्र के अंजना से वार्ड पंच प्रत्याशी नारायण लाल रेगर की लाश मिली।
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जेल अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला मेरा भाई आत्महत्या कर दी इलेक्शन का चक्कर में, इलेक्शन का चुनाव आई और दिमाग में परेशान है। हमारे भाई में परेशान देकर कई बात है, क्योंकि तो अगर तुम पुनाराम की गाड़ी लगा मैली बटू गाड़ी पर हटा दे मैं क्यों भाई आपात दान की मजदूरी कटे भी कर सका, दान की तो करनी पड़ी सरपंच वार्ड में आपने कहीं लेना देना, तू वार्ड बन में खड़ो तो जीत जाए नहीं जीती तो कई बात नहीं। तुम्हारे भाई क्यों अगर नहीं जीत नहीं हार जाऊँ तो कई बात नहीं, अपना अपने बटू गाड़ी हटा दे हर 5,000 रुपये भाड़ा का छाता हुआ तो मार दे रूल लेना, तो मैं भी नहीं दिखा दाप दवा जागवा के लिए भी नहीं क्योंकि तू धर्म मती मैं भी धारा लू अपने छोटे भाई है तीन ही हाथ तो क्योंकि ठीक है। तो एक दिन तो वो भी ठीक नहीं हो, दूसरा दिन भी परेशानी ज़्यादा भी बस हम मोहनजी करे शाम को 19 तारीख शाम को मोहनजी करे वो रो रू बटे गयो तो बच्चे रात को हमारे भनोड़ी ने भनोड़ी गार्डन पाछों आयो और इन्हें देखियो तो परेशान हो गया। पर मैं भी ने पूछो कई बात भी तो क्योंकि अपने इलेक्शन कहीं नहीं लड़ना अपने हारना है अपन पी नहीं भाई कल सुबह अपन उदयपुर पर जावा और अपन पर मार ही तो मैं भी ने क्यों कहीं नहीं मारे कोई कहीं नहीं करें दर्पणों को नहीं तो वो सुबह वो कमेरी पर हो कमेरी की संपर्क की तो कमेरी में क्योंकि भाई ने ससुराल कर दिया मैंने बटू सांगा नहीं भेजो सांगा नहीं रू बटे रही होगी आराम पीड़ियो बच्चे में भी नहीं क्योंकि तू आज जाते जाता कोई टेंशन मत ले हारू काम बढ़िया भी तो क्योंकि ठीक है मैं आऊँ तो 3 घंटा बटे रही हो और 11:30 हमारा हंडी सो हारना बस स्टैंड पे मैं कह रहा हूँ स्नान करवाने की 20 मोटरसाइकिल है 11:29 में मैं कैमरा में चेक कराया 11:29 में वो तो रवाना नहीं किया और मंडल आई जो मंडल आने का हिसाब बोल के जो करना जो कर दीजिए फोन नहीं फोड़ दीजिए अशांति मैं समझी देव में खाली छोटी मोटी बात की थी रमेश माली बुलायो के उदय बाग घर आई जाए और उदय बाग घर मारो भाई नहीं जो वो दरब जो वहाँ बात मैंने वो की कि भाई मैं उदय बाग घर नहीं जो हूँ मैं दरब जो हूँ और आपा ने ईशान भेजाई मत करे ईशान क्योंकि बात ठीक नाम आपका मारना विनोद। हाँ सर क्या है मामला कल दिनांक को टेलीफोन के जरिए सूचना मिली कि आज जैसे कालूगढ़ा रोड के जो रेलवे पटरी के पास में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है इसी इतला पर मौके पर गए उसके स्नात की बाबत जानकारी की तो उसके जेब के अंदर पर्ची मिली तो उसका नाम नारायण पिता मांगीलाल आंजना राजसमंद का होना पाया गया उस पर उसके परिवार उसके जो नंबर थे उस पर उनसे संपर्क किया गया तो उसका नाम नारायण पाया गया तो उस परिवार वालों को सूचना दिलाई गई और सबको मौके से लेकर के मोरचरी चीरगढ़ में मांडल रखवाया गया। अब वारिसान को सूचना दी गई वारिसान के आने पर रिपोर्ट देने पर अगली कार्रवाई की जाएगी। सर आप थाना मांडल से कान सिंह है। सही